नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पहली आपकी पीईटी की प्रारंभिक परीक्षा हो रही, उसके बाद जो मुख्य परीक्षाओं के फॉर्म निकल रहे हैं, उनमें से ही एक परीक्षा आपकी है यूपी ट्रिपल एससी की बीपीओ यानी विलेज पंचायत ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी की। इससे पहले बीडीओ की परीक्षा आपकी एक हुई थी, ठीक है। अब वर्तमान में आपकी जो है बीपीओ की फिर से एक वैकेंसी आई है, और इस बीपीओ की वैकेंसी में आपका जो पाठ्यक्रम इस बार जारी किया गया वो पिछले आपके वीडियो के पाठ्यक्रम से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। अब जो यूपी ट्रिपल एससी में एक बहुत बड़ी विशेषता, जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रही है, कि जो भी पद हैं उस पद के अनुरूप क्या कार्य हैं, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो बीपीओ का चूंकि संस्थान के द्वारा कोर्स प्रारंभ किया गया है आप सभी की डिमांड पर लगातार, तो उस कोर्स में क्या चीज़ें आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एक तैयारी करनी है, सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इन्हीं सभी पर जो है चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष मैं पुनः एक बार हाजिर हूँ, एक बार लाइव। इसमें हम बात करते हैं कि इस बार का जो पाठ्यक्रम आपका दिया गया, जिसमें मैं आपसे विशेष तौर पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र करूँगा कि इसकी तैयारी किस भांति से की जानी चाहिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा में अब आप देख रहे हैं कि जब नंबर आप पोस्ट कम हो रही है, नंबर आप सीट कम हो रही है, कैंडिडेट आपके वही इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं जिनका पीटी में स्कोर बहुत अच्छा है, तो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है फाइनल में वह लेवल भी आपका बहुत दमदार होता है। जो एक तरीके से अगर देखी जाए कि भाई जब क्रीम बच्चे ही छंट के आपके फॉर्म में जो है अप्लाई कर रहे, तो उन्हीं बच्चों के साथ आपका जब कंपटीशन होगा तो आपको हर एक जो है अंक अर्जित करने के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी ही करनी चाहिए। तो वह लोग जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, जो एक सीट अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं संस्था के द्वारा चलाए जा रहे इस कोर्स के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें, एक बेहतरीन जो है कहीं ना कहीं रणनीति के साथ, एक बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ हमारे साथ आप जुड़िए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी प्रारंभ करिए। इसमें हम बात करते हैं कि जो आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, पंचायती राज व्यवस्था आपका जिस हिसाब से इस बार का पाठ्यक्रम देखने को मिला, इतनी डीप चीजें अभी तक आप किसी भी, चाहे आप यूपीपीएससी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल की किसी परीक्षा की, अपने जो है वनडे परीक्षाओं की तैयारी की हो, इतना डिटेल में कभी भी आपने पंचायती राज व्यवस्था को नहीं पढ़ा होगा। लेकिन इस बार का जो आपका यह जो है एक तरीके से जारी किया गया पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम की अगर मैं विधिवत रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करूं तो इस हिसाब से इसमें तीन संभाग बनाए गए हैं, जिसमें भाग एक में आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। और पंचायती राज व्यवस्था में दो जो दिया गया पाठ्यक्रम है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, इसमें प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी केवल एक टॉपिक से। यह बहुत अच्छा किया है कि अब आपके टॉपिक से किस टॉपिक से में क्या पढ़ना है और उससे कितने प्रश्न होंगे, इन दोनों चीजों को जो है बहुत अच्छी तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया है। इससे 10 अंक आपके होंगे। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में 10 अंक इससे होंगे, 10 प्रश्न होंगे। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना 10 प्रश्न इससे होंगे, 10 अंक होंगे के होंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 अंक इससे होंगे, 5 प्रश्न होंगे। ग्राम विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि पिछली आप वैकेंसी चाहे लेखपाल देखे हों चाहे वीडियो की वैकेंसी देखे हों, जब बात योजना की करते हैं, जैसे लेखपाल की वैकेंसी में जितने भी टॉपिक उसने दिए थे सबसे जुड़े केवल योजना के प्रश्न पूछे, इस बार आपका क्या किया है, जैसे ग्राम विकास योजना और कार्यक्रम को एकदम अलग से पॉइंट आपका डिपिक्ट किया है और इससे प्रश्नों की संख्या जो किया है वो 20 प्रश्न किए हैं। मतलब तैयारी में जो ऊहापोह की स्थिति बनती है कि भाई हम योजना पर कहां पर फोकस करें, क्या इससे संबद्ध आपकी योजनाओं को पढ़ें, तो इस बार पूरी चीजें आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग जो है डिफाइन की गई है। इसके बाद आपके जो पद है, इस पद का ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका क्या होगी, 10 अंक आपसे जो है 10 प्रश्न 10 अंक के इससे पूछे जाएंगे, यानी 20 और 10 30, 10 40, 10 50 और 5 10 जो है 60 और 5 65, 65 प्रश्न आपके 65 अंक के इस बार पंचायती राज व्यवस्था से ही होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, तो तैयारी के लिए उसने पूरा विधिवत सिलेबस आपके सामने रखा है यूपी ट्रिपल एससी ने। इसमें जैसे पहला जो आपका पॉइंट है, पहले पॉइंट में जब हम बात करते हैं, इसने दिया है कि हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज
सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग देम, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या क्या है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो पूरा पॉइंट वाइज उसने डिपेक्ट किया है। जैसे सबसे पहले आपसे पढ़ना है परंपरागत पंचायतें, जो ट्रेडिशनल पंचायत हैं, और ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। अगर इसको हम समझें कि भाई परंपरागत पंचायत का आशय है कि आपको वैदिक काल में किस हिसाब से व्यवस्था रही, उसके बाद जो है गुप्त काल में कैसी व्यवस्था देखने को मिली, मौर्य काल में कैसी पंचायतों का स्वरूप देखने को मिला, साथ ही साथ फिर बदलते हुए स्वरूप में धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जो है समय बीतता गया तो भारत में पंचायत का स्वरूप किस किस रूप में भिन्न भिन्न जगहों पर देखने को मिलता है, ये पूरी चीजें आपकी परंपरागत पंचायत में आएंगी। तो इसमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किसका क्या रोल था, ठीक है, उसके बाद फिर गुप्तकालीन प्रशासन के दौरान, मौर्यकालीन प्रशासन के दौरान, साथ ही साथ दक्षिण भारत में जो स्वरूप देखने को मिलते हैं, और ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था जब ब्रिटिशर्स ने अब जो है भारत में धीरे धीरे अपने जो है हाथ में पूरी शासन सत्ता ली तो कहां से स्थानीय स्वशासन को जो है एक तरीके से ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई उनके द्वारा, स्थानीय स्वशासन पर काम शुरू हुए, इन सारे तरीके के कई सुधार भी हुए, कई एक्ट भी उनके द्वारा लाए गए, ठीक है, मैग्ना कार्टा वगैरह, तो इन सारी चीजों को भी आपको विधिवत तौर पर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की पंचायती राज व्यवस्था। अब स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अपने यहां जैसे जो है जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा उससे भी संबंधित आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि आजादी के बाद भारत में पंचायतों के स्वरूप में कैसे कैसे बदलाव हुए। साथ ही साथ जब इसमें देखते हैं तो आगे दिया है कमिटीज फॉर्म फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 वाला जो है इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां, अब इसमें बहुत सारी आपकी समितियां भिन्न भिन्न आपकी बनाई गई हैं, ठीक है, तो उन सारी समितियों के बारे में उनका सुझाव क्या रहा, कौन सी समिति पर वर्तमान में कोई स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है, उसको अगर अमलीजामा सरकार के द्वारा पहनाया गया तो अमलीजामा पहनाने पर क्या स्वरूप अपने सामने उभर के आता है इसको पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 रहा, 1947 के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई थी अपने यहाँ, बाद में जैसे जो है धीरे धीरे उत्तराखंड अलग हुआ अपने यहाँ से, ठीक है, तो क्या चीजें कैसे कैसे रही और वर्तमान में स्वरूप जो है कहाँ तक पहुंच चुका है, किस हिसाब से पंचायतों के कार्य हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इसके साथ साथ देखने हैं। तो एक तो समिति देखनी है और दूसरी चीजें चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था बहुत जल्द ही शुरू हो गई, जैसे आजादी मिली 47 में ही जो है एक एक्ट आ गया था जिसके द्वारा इसको लागू कर दिया गया था, तो इनको भी उत्तर प्रदेश में भी जितना स्वरूप बदलता गया भाई समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट में भी, तो उनको भी आपको बहुत विधिवत तौर पर पढ़नी है। साथ ही साथ इसमें जब हम बात करते हैं जैसे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अरेंजमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये स्पेशली उत्तर प्रदेश को लेकर के दे दिया, एक तो यहां पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध। अब इन दोनों चीजों को अगर देखा जाए भाई संवैधानिक आधार, तो संवैधानिक आधार तो आपका एक तो आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता ही बोलता है, लेकिन उसको हकीकत में लाने के लिए जब सरकार के द्वारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो 73वें और 74वें संवैधानिक उपबंध के द्वारा जो जो व्यवस्था संविधान में आपकी की गई, ठीक है, जब आप आर्टिकल 243 विशेष तौर पर पढ़ते हैं तो वहां पर जितनी व्यवस्थाएं हुई हैं हर एक आर्टिकल में किसका प्रावधान किया गया इस चीज को आपको गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीजें आपकी, और वही चीज आपकी जैसे कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती व्यवस्था संवैधानिक जो है संबंधी संवैधानिक उपबंध, तो भाई वही व्यवस्था आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही चीज आपकी उत्तर प्रदेश को लेकर के भी है, ठीक है, जो व्यवस्था उसमें की गई, तो दोनों पॉइंट एक के साथ आपके रिलेट कीजिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट में इसने क्या लिखा था, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिपेक्ष में, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले कह रहा कि जो लेजिस्लेटिव प्रोविजन है फॉर्म है एंड पावर्स ऑफ द पंचायत इंस्टीट्यूशंस, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, मतलब कि जो है अगर उनके परिपेक्ष में भाई इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से असेंबली के द्वारा आपका
एक कानून बनाकर इनको दर्जा दिया गया, ठीक है, इनको शक्ति प्रदान की गई। तो इन सभी के विषय में पढ़ना है कि भाई कब क्या कैसा हुआ, ठीक है भाई। जैसे उत्तर प्रदेश आप क्षेत्र पंचायत, न्याय पंचायत, इन सबको लेकर के पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न एक्ट आते हैं आपके भिन्न भिन्न समयों पर, तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इलेक्शन आर रिजर्वेशन सिस्टम इन पंचायत, पंचायतों में निर्वाचन या आरक्षण की जो व्यवस्था है, ये निर्वाचन या आरक्षण की व्यवस्था आपको, ठीक है, किन किन स्तरों पर देखने को मिलती है, वर्तमान में उसका स्वरूप क्या देखने को मिल रहा है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इसमें आगे, तो कह रहा रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इन पंचायत इलेक्शन, ठीक है, जो स्टेट आपकी कमीशन है इसका पंचायत के इलेक्शन में क्या रोल होता है, राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में आपको विधिवत तौर पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि इसका जो है इसके लिए रिकमेंडेशन किस कमिटी ने दिया था, कब ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि इसका फंक्शन कैसे होता है, ये कार्य कैसे करता है, ठीक है, इसकी पावर्स क्या है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत्स आर कमिटीज ऑफ पंचायत्स, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, और या फिर उनकी जो कमिटियां होती हैं, ग्राम पंचायत की तमाम समितियां होती हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करती हैं, तो उन सारी समितियों की वर्किंग को देखना होगा, उन सारी समितियों के आपके एक तरीके से किसके अंडर में कार्य करती हैं, उनका जो है मेन रोल क्या होता है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। साथ ही साथ इसी में दिया है राइट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत इन द कंटेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ग्राम पंचायत के अधिकार या दायित्व एवं कर्तव्य, लेकिन किसके बाले जो है रेस्पेक्ट में, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर, कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का रोल आपका क्या है, ठीक है, इसकी आपकी जो है अधिकार क्या है, इसकी जो है कर्तव्य क्या है, या इसकी जवाबदेही क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इन तीन बिंदुओं को आपको विधिवत तौर पर इसको भी पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आगे दिया है पंचायती राज सिस्टम चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस, पंचायती राज व्यवस्था जिस हिसाब से है उसमें चुनौतियां क्या है वर्तमान स्वरूप में, और उसके लिए समाधान क्या हो सकता है। भाई एज अ वीडियो आप बीपीओ पोस्टेड होने जा रहे, तो कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका, आप पंचायत को चूंकि वहां पर दिया ही दिया है सबसे लास्ट पॉइंट में कि ग्राम विकास में जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका क्या होगी, तो एक तरीके से जब आप चुनौती को पता हो, चुनौतियां आपके सामने होंगी, उनके बारे में आप जानेंगे, समाधान के बारे में जानेंगे, तो उन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें जैसे हम बात करते हैं तीसरे बिंदु में दिया है फाइनेंशियल सोर्सेस एंड एक्शन प्लान ऑफ पंचायत, पंचायत के वित्तीय जो स्रोत हैं और उनके जो है एक तरीके से जो एक्शन प्लान होता है, एक्शन प्लान आपका क्या होता है, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से भी आपको पढ़ना है। इसमें कह रहा है टैक्सेस कलेक्टेड एट पंचायत लेवल एंड अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, पंचायत स्तर पर जो कर आपके संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है, ये उपकर जो है कौन कौन से, और आय के अन्य स्रोत पंचायत के क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको विधिवत तौर पर पढ़ना है कि पंचायत किस किस पर कर लगाती है, पंचायत किस पर उपकर लगाती है, और पंचायत के आपके आय के अन्य स्रोत क्या होते हैं, जैसे, ठीक है, पंचायत की जो जमीनें होती हैं ग्राम समाज के तौर पर आप जानते हैं, उन जमीनों को वो क्या करती है, उन पर भी भाई जो है मेला वगैरह आयोजित होते हैं तो उनसे टैक्स का कलेक्शन होता है, और भी तमाम ऐसी आपकी अन्य चीजें होती हैं जहां पर आपके ग्राम पंचायत को लेकर के कहीं ना कहीं या पंचायत को लेकर के उसके अदर इनकम के सोर्सेस बनते हैं, तो इन सारी चीजों को बहुत विधिवत तौर पर आपको समझना है। साथ ही साथ इसी में जब हम बात करते हैं, जैसे दिया है स्ट्रक्चर पावर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग जो है इसकी संरचना क्या है, अधिकार क्या है, और इसके क्रियाकलाप क्या होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें स्ट्रक्चर को बहुत विधिवत तौर पर समझना होगा, ठीक है, कि जैसे आप जो है उसकी सेंट्रल का पढ़ते हैं पूरी चीजें, ठीक है, 3 सदस्यीय आपकी कमेटी है, वैसे ही यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें पढ़नी होंगी कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उनके नीचे क्या क्या पदाधिकारी होते हैं, और साथ ही साथ ये भी पढ़ना होगा कि इनके राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से चुनाव कराते हैं, आचार संहिता को लेकर के, चुनाव में जब कोई बवाल होता है तो उसको लेकर के क्या प्राधिकार रखते हैं, और इनकी एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, वहीं इलेक्शन कराना, इलेक्शन के मद्देनज़र भाई ड्यूटी जो है लगाना, ड्यूटी के साथ साथ आपका जो है चुनाव संपन्न कराने हैं, तो और बहुत से इनके काम होते हैं जिनके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी रखनी है। साथ ही साथ इसमें दिया है आपका जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, और इट्स रोल इन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत इंस्टीट्यूशंस,
केंद्रीय वित्त आयोग भी आपको पढ़ना है, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में इसकी भूमिका क्या है आपकी, इसको भी बहुत विधिवत तौर पर आपको देखना है कि भाई ग्रांट से जितने आपके होते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जब केंद्रीय वित्त आयोग की जब हम बात करेंगे तो जो एक तरीके से अपने यहाँ पंचायतों की अगर मूल तरीके से बात किया जाए कि एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम, तो अपने यहाँ बहरहाल उसे इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है, ठीक है। अगर मेन सोर्सेस की बात करें तो मेन सोर्सेस आपके अदर इनकम इसके पास बहुत कम होते हैं, तो इसमें केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका को हमें समझना है, आर्टिकल 280 को बहुत विधिवत तौर पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपसे क्या कह रहा है कि फॉर्म परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार की आपकी प्रदर्शन अनुदान योजना है, इस ये प्रदर्शन अनुदान योजना क्या होती है, राज्य को जब यह आपकी जो है कोई अनुदान दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो किस हिसाब से या कोई भी आपकी ऐसी स्कीम होती है तो स्टेट की और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या आपकी एक तरीके से हिस्सेदारी होती है, किसी योजना में किस तरीके से भागीदारी होती है केंद्र और राज्य की, इस चीज को आपको विधिवत तौर पर जानना है, समझना है। साथ ही साथ कह रहा है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान आपका, ठीक है, ग्राम पंचायत की जो विकास योजना होती है, इस विकास योजना को आपको विधिवत तौर पर जिला स्तर से लेकर के, ठीक है, ब्लॉक स्तर से लेकर के और पंचायत स्तर पर किस भांति से आपकी लागू होती है, इस पूरे क्रम को बहुत विधिवत तौर पर समझना है, बहुत विधिवत तौर पर जानना है। साथ ही साथ कह रहा है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम है वो कदम आपके क्या क्या है। इसमें यह भी बात कही गई है कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करने के लिए पंचायत के क्या क्या कदम उठाए गए, ठीक है, इन चीजों को आपको बहुत ढंग से समझना है। भाई सशक्तिकरण की यहां बात कह रहा है, सशक्तिकरण में जब आप देखोगे तो समय समय पर भिन्न भिन्न संशोधनों के माध्यम से, भिन्न भिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार ने क्या किया है, लोकल गवर्नेंस को मजबूत किया है, तो उसमें किस चीज को कब जो है क्या व्यवस्था किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, इसके पूरे इतिहास को हमें खंगालना पड़ेगा। साथ ही साथ आपसे क्या कह रहा है, मेजर्स टू स्ट्रेंथिंग द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, इसके अंतर्गत सबसे पहले पंचायत सिटीजन चार्टर दिया है जो नागरिक चार्टर होता है, साथ ही साथ एक तरीके से पंचायत सेक्रेटरिएट या ग्राम सेक्रेटरिएट या रोल ऑफ पंचायत सहायक, जो पंचायत सचिवालय होते हैं, ग्राम सचिवालय होते हैं, पंचायत सहायक की भूमिका क्या है, इसको आपको समझना है। साथ ही साथ आपसे कह रहा है को स्टेबलाइजमेंट ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर इन पंचायत भवन, पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर की सह स्थापना जो की जाती है, ये सह स्थापना आपकी किस तौर पर होती है, कहाँ पर होती है, इसकी भूमिका क्या होती है, कार्य क्या होता है इसका, इस चीज को आपको समझना है। आगे दिया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स एट पंचायत लेवल, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनका पंचायत स्तर पर कैसे क्रियान्वयन होता है, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए, ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं उनके कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का पंचायत स्तर पर कैसे एक तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है, उसके लिए कौन कौन आपका जिम्मेदार होता है, ठीक है, आपकी भूमिका वहां पर क्या होगी, इन सारी चीजों को आपको समझना है। फिर आपसे दिया है कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ई गवर्नेंस इन पंचायत्स, पंचायत्स में ई गवर्नेंस की स्थापना किस अनुसार की जा रही है, केंद्र सरकार की आपकी भूमिका इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका आपकी क्या है, ठीक है, और किस हिसाब से सारी सुविधाएं, ठीक है, ई गवर्नेंस में सारी सुविधाएं, बहुत सारे आपकी ऐसे काम होते हैं, ठीक है, भूमि से संबंधित हो गया, जमीन वाला मामला हो गया, या फिर तमाम तरीके के आपके जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ लेना है, राशन कार्ड हो गया, तमाम कार्ड हो गया, अंत्योदय कार्ड हो गया, तो इन सारी चीज़ों की आपकी एक तरीके से अब कहीं ना कहीं जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से इनको गांव पर ही सुलभ कराने का भारत जो है सरकार का अपना विजन है। तो ये ई गवर्नेंस की भूमिका अब इसमें जो है क्या रोल क्या हो रहा है इसको भी आपको समझना होगा। साथ ही साथ फैमिली रजिस्टर एंड बर्थ डेथ रजिस्टर भी आपको समझना है कि परिवार रजिस्टर क्या होता है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो आपका किया जाता है, ये जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो है कौन करता है, किस हिसाब से सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, इसको आपको समझना है ढंग से। और साथ ही साथ अगली जो आपका पॉइंट दिया हुआ है इसमें दिया है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन द कंटेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,
ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम आपको देखने हैं। इसमें पूरी योजनाएं आपको दे दी गई हैं कि कौन कौन सी योजना पढ़नी है, उनसे क्या क्या सवाल होंगे, 20 अंक इससे आने हैं। जैसे आपका पहला दिया है योजना कौन सी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिसको RGSA कहा गया, ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान रहा, कब चला, इसके तहत क्या प्रावधान है, तो सारी योजनाएं इस बार बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया है कि कौन कौन सी योजना आपको पढ़ना है। दूसरा लिख दिया है स्वच्छ भारत मिशन एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, फेज वन और फेज टू दोनों से सवाल होंगे। स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण पेयजल योजना की जो चरण एक है और चरण दो है, इन दोनों को कहां कहां पर भाई कैसे अप्लाई किया गया, इसके द्वारा लाभान्वित जिले क्या रहे, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ इसमें आगे दिया है कि आपकी रूरल हेल्थ जो स्कीम्स हैं, अदर स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं इन रूरल एरियाज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, अन्य योजनाएं, और साथ ही साथ कह रहा है कि उन कौन जो है अन्य जो कार्यक्रम है वो क्या क्या है, इनको भी ध्यान देना है। आगे कह रहा है पंचायत राज डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग और अन्य विभागों को भी आपको इसमें ढंग से देखना है। फिर आपसे क्या दिया है, अगले पॉइंट में दिया है रोल ऑफ विलेज पंचायत ऑफिसर इन डेवलपमेंट इन द जो है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, जो आपके जो है एक तरीके से जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पद पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जो ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, उसकी भूमिका क्या होगी, इसमें रोल है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के आप सचिव के रूप में कार्य करेंगे तो आपका रोल क्या होगा, ठीक है, आपके कार्य क्या होंगे। सेकेंड दिया एज बर्थ एंड डेथ रजिस्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी भाई। साथ ही साथ कह रहा रोल इन मेकिंग आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में आपका रोल क्या होगा, और साथ ही साथ कह रहा रोल इन मेकिंग सेल्फ रिलायंट ग्राम पंचायत, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में आपकी भूमिका क्या होगी। तो ये पूरा पाठ्यक्रम आपका विधिवत तौर पर लिख दिया गया है। इसी पाठ्यक्रम में जो है आपको एक एक पॉइंट को बहुत विधिवत ढंग से जो है पढ़ना शुरू कर देना है, बहुत विधिवत ढंग से इनकी जो है पूरी रूपरेखा को अपने मन मस्तिष्क में फिट कर लें। देखिए इस बार का जो सिलेबस है, सिलेबस में फायदा इस बार का यही है कि पूरी चीजें एक पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ डिफाइन कर दिया गया, मतलब आपके सामने जो है लक्ष्य एकदम सटीक दिख रहा है कि भाई किस चीज को कितना पढ़ना। अभी तक कहीं भी किसी भी परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं तो आपके सामने जैसे लिख दिया गया पंचायती राज व्यवस्था, इसमें पाठ्यक्रम ना दिया जाता तो आपके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस होते कि भाई क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कहां तक पढ़ना है। इस बार आपके सामने लिमिट दे दी, और जब आपके सामने ऐसी जो है पूरी तरीके से वर्गीकरण आपके सामने आ जाता है तो आपके लिए तैयारी बेहतर। अब इसमें ही आ जाती है कि भाई किताबों की भूमिका क्या है, कोचिंग की भूमिका क्या है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है, ठीक है, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा, लेकिन इसमें जो समय है सेल्फ स्टडी में और किसी कोचिंग का जब आप सहारा लेते हैं तो कोचिंग के सहारा में या किसी शिक्षक का रोल आपका क्या होता है आपके सिलेक्शन में। देखिए सिलेक्शन में एक चीज आपकी 100% जो सच्चाई है वो ये है कि सिलेक्शन में आपकी भूमिका ज्यादा है। अब आप जब स्वयं से पढ़ना शुरू करते हैं तो स्वयं से पढ़ने में जो चीज आप 3 से 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ के जो है प्रिपेयर करोगे, कोचिंग संस्थान क्या करता है वो आपको 1 से 1 घंटे में या मुश्किल से आपका 2 घंटे में सारी चीजें आपको दे देता है। तो आपके दिन से 5 से 6 घंटे की मेहनत कोचिंग संस्थान से जुड़ने के बाद, ठीक है, किसी शिक्षक के गाइडेंस में रहने पर वो मेहनत आपको नहीं करनी होती। आपको सीधा सीधा क्या होता है, सीधा कंटेंट को पढ़ना होता है और कंटेंट को पढ़ के आगे बढ़ना होता है। तो इसीलिए आपकी ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन बिल्कुल होता है, सिलेक्शन होगा भी, लेकिन चूंकि इसमें समय आपका कम है, आप एक विधिवत कार्य योजना भिन्न भिन्न जो है आपके चरण में आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, मार्गदर्शन सभी को आवश्यक होता है। तो कोचिंग का या किसी शिक्षक का रोल आपके जो है इस पूरे के पूरे दिए गए पाठ्यक्रम में यही बढ़ जाता है कि भाई आप जो मेहनत 5 से 6 घंटे जो है करेंगे वो 5 से 6 घंटे की मेहनत टीचर आपके लिए करके आएगा, ठीक है, उसका विजन और बेहतर होगा, ठीक है, वो चीजों को आपके सामने और क्लियरिटी से फेस करेगा। आपके सामने क्या चीजें ऐसी आ रही हैं, किसी चीज को लेकर के कोई बिंदु आप पढ़ रहे हो तो उस पर आधारित प्रश्न क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपका जो शिक्षक होगा वो आपके सामने डिस्कस करता रहेगा, ठीक है।
तो इनके लिए अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि इसमें बुक्स का भी अगर आप रोल देखोगे भाई, पंचायत राज की अगर आप बुक ढूंढने लगे तो इसकी बुक अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लेखकों के द्वारा बहुत सारी, ऐसे नहीं कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये होता है कि उस कंटेंट को अपनी परीक्षा के लिए छांट के लाना, ठीक है। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी जो है परीक्षार्थी के लिए जब वह किसी परीक्षा की तैयारी करे, और इसमें रोल आपका हो जाता है किसका, किसी टीचर का, किसी कोचिंग संस्थान का, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि जैसे जब ये क्लासेज आपकी प्रॉपर वे में जो है संस्था के द्वारा प्रारंभ की गई है, हम लोग इस दायित्व को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें जो शुरुआत से आपकी सारी चीजें होंगी, जिस हिसाब से सब कुछ आपका दिया हुआ है, उसको बहुत विधिवत तौर पर आपको एक जो है क्लास के माध्यम से, क्लास के बाद आपको नोट्स के माध्यम से, ठीक है, समय समय पर आपको जो है इसी पर आधारित आपके टेस्ट के माध्यम से सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे कवर कराया जाएगा। हमारा जो एक्शन प्लान होता है, हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको क्लास लेक्चर देंगे, क्लास लेक्चर के बाद आपको जो है नोट्स रहेगा, नोट्स के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये सारी उपलब्ध कराते हैं, डाउट सेशन आपको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। आप पर किसी भी बिंदु पर डाउट है तो आप जो है लाइव डाउट सेशन में जुड़िए, ठीक है। समय समय पर भिन्न भिन्न शिक्षक आपके सामने होंगे, वो डाउट सेशन लेते रहेंगे। इसमें जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, मेरे साथ आपकी यह परिचर्चा, आपकी मुलाकात रहेगी जो है पूरी चीज़ों को बहुत विधिवत ढंग से पढ़ने की। तो जिन्हें भी इस कोर्स से जुड़ना है, परीक्षा प्लस एप्लीकेशन जो है आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद जो है रजिस्टर करिए और जो है पेड कोर्सेस में जा करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आपको कोई अन्य क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दो नंबर भी चल रहे, एक नंबर आपका जो है यह है संस्थान का 9450006007 है, और दूसरा जो आपका नंबर है यह है 9129697080। इन दोनों नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं और विधिवत तरीके से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। कॉम्पिटिशन का लेवल अच्छा है तो कॉम्पिटिशन के लेवल में आप अपने भी से पूरी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना और बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा जो है नहीं होगा कि आपके पास 5-6 महीने का समय है, आप प्रॉपर वे में पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कवर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, पूरी चीज़ें सब कुछ आपके सामने हैं। अब हम लोग इस पर जो है जल्द ही कक्षाओं का संचालन आपके साथ शुरू कर रहे हैं, तो सारे लोग जल्द से जल्द जिन्हें यह एग्ज़ाम या आपके हित मित्र कोई भी ऐसे हैं जिन्हें यह परीक्षा देनी है तो उनको ज़रूर यह वीडियो एक बार शेयर करें। न्यूनतम शुल्क में आप सबसे बेहतरीन कंटेंट, ये तो दावा है, ठीक है, और जो चीज़ हम कहते हैं वो चीज़ करते भी हैं। हमारे द्वारा जितने भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं हम शुल्क आपसे उतना ही लेते हैं जितनी चीज़ें क्या होती हैं, जितनी चीज़ें हमें भी अंदर से आत्मा कहती है कि भाई ये चीज़ें बस इतना ही रखिए, ठीक है। मेहनत हम आपके साथ जो है दोगुनी करेंगे, आप जितनी मेहनत करोगे उससे दोगुना मेहनत करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात इसमें से किसी एक अध्याय में होगी, ठीक है, किसी अध्याय के आपके लेक्चर पर होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूर जो है संस्थान के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। कैसर यह सेशन के बारे में कोई डाउट है तो ज़रूर एक बार नीचे आप कमेंट करिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।